कितने सालों बाद निकलता है? कौन सा मणि? मणि मणि उनके पास जो होती है, किसमें? डायमंड, नागमणि होता है, नागमणि होता है। कितने सालों बाद आपने देखा है क्या? हाँ? आपने देखा है? सालों बाद आपने देखा है क्या, पूछ रहा हूँ मैं आपको। हाँ देखा है। कहाँ पर? हमारे उधर। What is up, crazy people out there? This is Abhi Rupa. Welcome to the vlog again. And today is gonna be fun because it is again a rescue vlog. Bahut din ke baad we have Priyanshu with us. And kuch nahi, vlog continue karte, call pe chalte. Please go. वो वीडियो में जो दिखा वो तो कोबरा है। चेक कलर बहुत येलोइश नहीं है उसका, बट बॉडी के ऊपर पैटर्न है और उसका हुड दिख गया ना ब्रो, और क्या देखना है। कुछ खोदने के लिए नहीं है, खोदने के लिए कुछ नहीं है क्या? हाँ जो देखते हो ना थोड़ा बहुत सामान निकलेगा। मणि कितने सालों बाद निकलता है? कौन सा मणि? मणि मणि उनके पास जो होती है, किसमें? डायमंड, नागमणि होता है, नागमणि होता है ना। कितने सालों बाद आपने देखा है क्या? हाँ? आपने देखा है? कितने सालों बाद आपने देखा है क्या, पूछ रहा हूँ मैं आपको। हाँ देखा है। कहाँ पर? हमारे उधर है ना, उसके ऊपर ये ऐसा बाल उगे होते हैं ढेर सारे। और क्या क्या? ठंड पे ऐसा जब निकालता है तो उसके ऊपर बाल उगे होते हैं। ये सब बताएगा आपको, सब साफ बंद कर देना, बंद कर देना। One hour later. नहीं देते ना हम। पूरा वो है क्या? बैग इन बैग। यप। ये देवी तो मर गई, उसकी बेटी है, बेटी है। लगाओ फोन उसको, बोलो अमरीश पुरी बुलाने। जानवी कपूर है ना? तो बोल रहे थे ना सांप को नागमणि रहता है। हाँ? फिर बाल आते हैं, ये सारी चीजें छुट्टी रहती है, ठीक है। नागमणि वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर नागमणि रहता तो फिर हम लोग दिन का 25-30 सांप तो पकड़ते हैं, तो आपके यहाँ पे सांप पकड़ने थोड़ी आते, तो अंबानी के बाजू में घर बांध देते, है कि नहीं? वो तो ठीक है। हाँ। पर हमारे इधर एक था ना, वो सब ढोंगी लोग रहते हैं, सांपों को बाल रहता है। को हमने भी देखा करे, मतलब ना आप ये बात झूठ बोल रहे हो। नहीं वो नहीं, सही नहीं होता है, नागमणि की बात। चलो ठीक है, आपने देखा है? सुनो नहीं, मैंने नहीं देखा भाऊ। जो एक सांप था ना हमारे इधर, वो 4-5 सालों से उधर ही रहता था। उसके ना वो अभी जैसे फंड निकाला ना, उसके ऊपर वो रहता था, क्या बोलते, बाल की तरह काला काला। वो भी बताता हूँ मैं आपको, बोलिए। वो कैसे? तो सांप जो है आपको पता है केचू ही निकालता है। आपने बोला कि वह ठंडी के महीने में था। हाँ ठंडी के महीने में। बराबर देखो तो सांप जब भी अपने को जैसा पसीना आता है ना, वैसे सांप को पसीना नहीं आता है, ठीक है। तो उसकी ऊपर की जो गंध है ना, वो केचुई के द्वारा निकालते हैं। देखने का क्या आपको? अभी वो केचुई जब भी निकलती है ना, उसके लिए उसको पानी चाहिए रहता है, या जो क्या बोलते हैं नमी रहती है ना, तापमान में वो रहती है। ठंडी के महीने में क्या रहता है, अक्सर आप अगर नॉर्थ साइड से हो तो वहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है, मुंबई के इसमें से वहाँ पे से ठंडी ज्यादा है। तो क्या होता है कि वो जो केचुई निकलने का जो टाइम रहता है ना, वहाँ पे केचुई पूरी नहीं निकलती, तो बहुत बार केचुई ना इधर इधर रह जाती है, जो उसके छिलके होते हैं, छिलका जो बहुत बार है ना पूरा निकल जाता है ना, तो वो ठंडी के टाइम है ना पूरा नहीं निकलता है, उसके बॉडी के ऊपर ना टूटका टूटका हुआ निकलता है। तो इसके ऊपर से फिर दूर जब हम लोग दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि यार उसके बाल है,
ठीक है, तो इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत पुराना सांप है। सांप का जो लाइफ है, सांप का जो उम्र है वो कम से कम 10 से 12 साल है, इससे ऊपर कोई सांप नहीं जीता। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि एक सांप जो है वो 100 साल से वहाँ पे जी रहा है, तो आपने सांप देखा रहेगा, आपके पूर्वजों ने भी वो सांप देखा रहेगा, उसके लिए मना ही नहीं है। पर वो क्या हो गया रहेगा कि वो सांप जो था, समझो एक एरिया, इस एरिया में कोबरा रहता है, अभी मैं छोटा हूँ, मेरे देखा, मेरे बच्चे हो जाएंगे वो भी एक कोबरा देखेंगे, पर वो वही सांप नहीं रहेगा, उस जाति का सांप रहेगा, क्योंकि इस एरिया में पहले भी एक कोबरा रहा है, उनके घर का है, उनके सदस्य है, उनका घर वाला है, तो देखने वाला तो एक ही बोलता है ना कि अरे नाग है वो तो इतनी पीढ़ी से रहता है, वैसा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, नागमणि बोलो या सांप पीछा करता है, ये सारी जो हमारे पुराने बुजुर्ग है ना, वो लोग ने हमें सांपों से दूर रहने के लिए बताया, क्योंकि सांप ये ऐसे प्राणी है ना जिससे इंसान को खतरा जब तक नहीं है तब तक हम उनको कुछ हार्म नहीं करते, या हम लोग जब तक उसको छेड़ेंगे नहीं या मारेंगे नहीं, तो वो अपने इलाके में बराबर रहेगा। इसलिए उसके पास नहीं जाने के लिए या उसको अपने जगह पे रहने के लिए लोगों ने या पुराने जमाने के इंसानों ने वैसा बना के रखा है कि नहीं देखो इसके अंदर ये, तो इंसान कुछ तो सोचना रहे नहीं ये खतरनाक है। What is up, crazy people out there? This is Abhiru Bhargava Nodhi vlog. वापस एक कॉल आया है, जस्ट अगेन पाइथन, मुझे पता नहीं इतने पाइथन क्यों निकलते हैं, पर आई गेस इट्स अ मीटिंग सीजन। और मैं जैसे बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि पाइथन्स के कॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सो लेट्स गो। आज बहुत लोग हैं, आज फट्टे टीम ही है, और मैं ऐसा बोल मांडे अंडे पे बैठ के जाने वाले सब बहुत फट्टे लोग हैं आज, तो मैं आपको दिखूंगा तो नहीं, पर चलो लेफ्ट मार। हाँ हाँ एक पाँच मिनट आएगा टाइम पास होने रे कातले त्याला। अरे बाप रे, हां बोला ना वारे ना नशीब रुतानी में आले यहाँ स्पॉट लगा नशीब एक नंबर है। ना लाइट में देखा हुआ है, हाँ लाइट में देखा हुआ है। चलते रुक तू पूरे का रुक साहेबाने दाखो आम क्या इतनी कुटे तो आते हैं बोलूँ ना बोलूँ ये तेरना कुटे तो आते हैं भाई बोलूंगे ना त्यांना बोलो तो एक मिनिट त्यांना खोटं वाटतंय दोन गाडी तर राहत आहे इथे उपरी पाडा उपर पकडा असं बाजू घ्या तुका किती फीट झाले ना चलो निकाल अभी कैसी आहे का आपल्याला कैसी भेटेल दोन सब पण फोटो काढू काय हां हे काय बस कोण करणार आहे इथे आहे तुम्हाला बघ हे पाहिजे का कैची 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 छोटी बारीक चालेल चालेल कैची बोला थोडं शांत झालंय हो तेच तर ना आणि हे हेडग्राफ करावं लागणार करू टॉर्च साइडला मारे अमित अंगावर मारा मारे अंगावर मारे पाय त्याच्यावर नको मारू लांबून पण बाटली तर घर बरे का अंगावर मार नशीब नशीब नाही झालंय ते पण गे साईडला आपल्याला दाखवायला राहून दे नाही हे तर पाहिजे यार हे तर चार जमा घेऊन जा काहीची थँक्यू आपल्याकडे कुठे चांगल्या पाण्याचा नळ आहे इकडे नळ आहे का चांगला तिकडे आहे ना
चौकी कर जरा घेऊ या का तिकडे याला पण धुवून घेऊ या हे ना म्हणजे पण आता करून तो बॅगिंग मध्ये होतो त्याला बहुत मजा आ गया बहुत ज़्यादा फट्टे मज़ा आया अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पुलिस स्टेशन राइट नाउ एंड भाई लोग के सिवा ये तो हो ही नहीं सकता था सो आगे जाता हूँ अच्छे लाइट में निकलता हूँ क्योंकि गोप्रो का लो लाइट बहुत गंदा है और ये अभी यहाँ पे विमल थूका है तो इसके जैसा कुछ खाओ मत जो भागा हो विमल लेके भागा जो भागा हो विमल लेके भागा बाय पीस आउट गाइस लोग आराम से फाड़े सबसे पहले तो अपन चार लोग को फाड़े मेरे को तो फाड़ेगा ही फाड़े इनको तो फाड़ेगा अरे मैं तो भाई कल कैरेट डाला उसे इसको मैं मुझे भी देखा था इसको 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 एक राटे ले नहीं डाले के लिए मैं राम भरोसे हो गया राम भरोसे पकड़ लिया क्या नीचे रेडी रहो क्या नीचे रेडी रहो अरे शटर बंद से अभी कॉल डालना है फाइनली अभी फाइनली गए आफ्टर सिक्स मंथ ग्रुप अब के फट गया इतने पूरे वांगो नंबर है कालची बाउंड्री जिथून आम्हाला डाऊट आहे जिथून जास्ती साप येतात हा त्रास प्रियांशी एक घोरपट चेंबूर या ठिकाणी पकडली होती आणि तिला नैसर्गिक अवस्थेमध्ये आपण सोडतोय तर ही घोरपट जी आहे याला इंग्लिशमध्ये आपण मॉनिटर लिझार्ड म्हणतो आणि त्याचं भक्ष्य उंदीर आहे आणि सापसुद्धा आहे तर हे निसर्गात राहण्यात खूप महत्त्वाचं आहे आणि ज्या टेरिटरीमध्ये जे सापडतात त्या टेरिटरीमध्ये जर रिलीज केलं तर ते खूप चांगले राहू शकतात ओके यस थँक्यू बाय कधी अंधाराकडे पळणार कधी अंधारा तिथे पळणार बाय Alright guys, so this was it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यू नो वॉट टू डू राइट लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए हमारी वीडियोज हर थर्सडे और हर संडे को आती है सो मेक श्योर यू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ऑन सो यू विल गेट नोटिफाइड आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलेगी और क्रेजी रेस्क्यू वीडियोज़ क्रेजी फन एनिमल वीडियोज़ फन फैक्ट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ पेट्स एक्जॉटिक एनिमल्स ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड यस इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलना क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर छोटी छोटी अपडेट्स मिलती रहती है हमारे डेली रेस्क्यूज़ की डेली ब्लॉग्स डेली छोटे मोटे अपडेट्स की सो यस डोंट मिस टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट Nothing can stop me, I'm all the way.